हेलो एवरीवन, लास्ट टाइम हमने लेटर की वीडियो की थी जिसके अंदर हमने लेटर फॉर्मेटिंग सीखी थी। ये सीखा था कि लेटर क्या होता है, कितने तरह का होता है, और हमने इसी के साथ फॉर्मल लेटर की स्टेपिंग भी सीख ली थी कि कैसे आप कुछ स्टेप फॉलो करके फॉर्मल लेटर अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। आज हम करेंगे इनफॉर्मल लेटर, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, यस, सबसे पहले इनफॉर्मल लेटर जो है उसमें कुछ स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे, पहले तो समझ लेते हैं इनफॉर्मल लेटर होता क्या है। हमने कहा था कि बात हुई थी हमारे कि जो लेटर हम अपने सगे संबंधियों, फ्रेंड्स और उनके अलावा वो लोग जिन्हें हम जानते हैं उन्हें भेजते हैं, उन्हें हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। अब इनफॉर्मल लेटर में सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस। जब भी आप इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, यानी कि अपना एड्रेस लिखेंगे आप। उसके बाद आप डालेंगे डेट, जैसे कि अब सेंडर्स एड्रेस में फिर से वही कि लाइक आई एम नेहा, तो मैं अपना एड्रेस डालूंगी हाउस नंबर 31, ले नंबर 15, इस टाइप में। और उसके बाद डेट में डालेंगे फिर आज की डेट, जैसे कि आज है 17th of April। उसके बाद हम डालेंगे सैल्यूटेशन। डालने के बाद हम क्या करेंगे, सैल्यूटेशन के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं, जैसे कि डियर मैम, डियर मॉम, डियर नेहा, डियर तन्नू, इस तरह की चीज़ें हम डालेंगे। फिर आएगा हमारा बॉडी ऑफ द लेटर। इसके अंदर आप अपनी बातें लिखेंगे, जो भी आप कहना चाहते हैं, लाइक आई एम फाइन हेयर, आई होप यू विल बी देयर, लाइक इस तरह की चीज़ें। उसके बाद आप लिखेंगे कंक्लूडिंग रिमार्क्स, जैसे कि मम्मा पापा इज ऑल्सो मिसिंग यू, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट समवन इज ऑल्सो मिसिंग यू, कि जो भी आप एडिशनल इसमें रिमार्क्स देना चाहें, जैसे कि दोस्त है तो दोस्त को दूसरा दोस्त भी याद कर रहा होगा, या इसके अलावा कुछ भी। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, जिसके अंदर आप कुछ लविंगली लाइन, क्योंकि भाई अब आप अपनों को लेटर लिख रहे हैं, जब अपनों की बात आती है तो बहुत ज़्यादा पोलाइट हो गए, बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत वाली बातें आती हैं, तो उसके अंदर वही लिखेंगे योर लविंगली, और आई एम मिसिंग यू, आई एम सेंडिंग यू दिस विद दिस लेटर, इस तरह की चीज़ें। और उसके बाद लास्ट में आता है आपका सिग्नेचर लाइंस। सिग्नेचर लाइंस में आप लिखेंगे अपना नाम, जैसे कि मैं नेहा हूँ तो नेहा ने लेटर लिखा है, और मैं तन्नू हूँ तो तन्नू ने लेटर लिखा है, इस तरह की चीज़ें आप लिखेंगे। अभी के लिए इतना ही। आज फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों की क्लासेस ख़त्म हो चुकी हैं, और अब आपके लिए एक और होमवर्क है कि आप इस लेटर के बाद, इस फॉर्मेट को देखने के बाद, दो लेटर ऐसे ही इनफॉर्मल लिखें। थैंक यू।